फ्री फायर इस मोबाइल गेम का नाम आप लोगों ने जरूर सुना ही होगा। आप में से कई लोगों ने इसे खेला भी होगा। इस गेम के अंदर के होने वाले फीचर्स के साथ साथ इसके बहुत सारे फैक्ट्स भी इस गेम के अंदर छिपे हुए हैं। क्या आपको पता है कि फ्री फायर में जो एक क्लॉक टावर नाम का जगह है वो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है? और क्या आपको पता है कि हर सेकंड फ्री फायर के लगभग 1000 से 2000 प्लेयर्स गेम में मरते हैं? आज आप ऐसे ऐसे फ्री फायर के फैक्ट्स को जानने वाले हो कि आपके मुंह से सिर्फ दो शब्द ही निकलेंगे, फ्री फायर। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि फ्री फायर के एक्टिव प्लेयर्स यानी कि एक टाइम में गेम स्टार्ट करने वाले जो प्लेयर्स हैं उनका नंबर है 100 मिलियन, यानी कि 10 करोड़ लोग एक साथ फ्री फायर के एक गेम को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 8, अगर आप फ्री फायर खेलते हो तो आप में से कई लोगों ने फ्री फायर के गेमिंग चैनल्स को देखा ही होगा। और क्या आपको पता है कि 2019 में जो फ्री फायर गेमिंग चैनल्स के व्यूज थे उनको अगर मिला दिया जाए तो वो लगभग 30 बिलियन व्यूज होंगे, यानी कि लगभग 3000 करोड़ व्यूज। फैक्ट नंबर 7, अगर आप फ्री फायर के प्लेयर हैं तो आपको पता होगा कि 2019 में एक फ्री फायर वर्ल्ड कप हुआ था, उस मैच को लगभग 270,000 लोगों ने लाइव बैठकर देखा था और उस मैच के जो ऑनलाइन व्यूअर्स थे उनके नंबर थे 27 लाख, यानी कि ये सब कंटिन्यूसली 5 घंटा मैच को देख रहे थे। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि फ्री फायर इंडिया का टॉप ग्रॉसिंग गेम है? फ्री फायर ने इंडिया में पबजी को भी पीछे छोड़ दिया है। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, पहले है फ्री फायर, फिर पबजी, फिर कॉल ऑफ ड्यूटी और ऐसे ही बहुत सारे गेम्स आगे आगे हैं। फैक्ट नंबर 5, आप में से जितने भी फ्री फायर प्लेयर्स हैं उनको जानना चाहिए कि फ्री फायर को किसने बनाया। फ्री फायर के इन्वेंटर का नाम है फॉरेस्ट ली। फॉरेस्ट ली चाइना के एक बड़े बिजनेसमैन है और उनका बिजनेस सिंगापुर में ज्यादा चलता है, इसीलिए फ्री फायर का हेडक्वार्टर भी सिंगापुर में ही है। फैक्ट नंबर 4, फ्री फायर में बरमूडा मैप के अंदर रीमनाम विलेज नाम का एक जगह है और ये जगह रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। ये देखिए, ये है इसका असली इमेज, रीमनाम विलेज। इस जगह को मालदीव बीच भी कहा जाता है और ये जगह बिल्कुल रीमनाम विलेज जैसे ही दिखता है। फैक्ट नंबर 3, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तब करोड़ों लोग फ्री फायर खेल रहे होंगे और कई प्लेयर्स के कैरेक्टर गेम में मर चुके होंगे। पर क्या आपको पता है कि हर सेकंड 1000 से 2000 प्लेयर्स फ्री फायर गेम के अंदर मरते हैं? अभी 1000 गए, फिर गए, फिर गए और हर सेकंड ऐसे ही जाते रहेंगे। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि फ्री फायर का जो पेरेंट कंपनी है यानी कि गरीना, वो एक दिन में लगभग 15 से 20 मिलियन यानी कि 1 से 2 करोड़ रुपए कमाती है। फैक्ट नंबर 1, अब बढ़ते हैं सबसे फाइनल फैक्ट की तरफ, यानी कि चलो चलते हैं क्लॉक टावर की तरफ। फ्री फायर के बरमूडा मैप के अंदर क्लॉक टावर को सबसे खतरनाक जगह में से एक माना जाता है। इस जगह के बारे में मैं एक फैक्ट बता दूं कि इस जगह में लगभग 15 से 20 प्लेयर्स एक साथ उतरते हैं। तो ये जो क्लॉक टावर है ना, ये फ्री फायर में फेमस है ही, पर क्या आपको पता है कि ये जगह रियल लाइफ में भी बहुत फेमस है। ये जगह न्यूजीलैंड के सबसे फेमस क्लॉक टावर्स में से एक है। ये देखिए, ये है असली क्लॉक टावर जिसको विक्टोरिया क्लॉक टावर भी कहा जाता है। ये दिखने में फ्री फायर के क्लॉक टावर जैसे ही है, पर फर्क इतना है कि ये काला रंग का है। इस क्लॉक टावर के सामने एक और क्लॉक टावर है और वो क्लॉक टावर व्हाइट कलर का है और उस व्हाइट कलर के क्लॉक टावर के पीछे एक बिल्डिंग है जो कि इस बिल्डिंग के साथ भी मैच करता है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।